नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवे यूट्यूब चैनल पर। तो जोधपुर डिवीजन की ICF ट्रेनों को LHB ट्रेनों में कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ महीनों पहले यह अपडेट निकल कर आई थी कि अब जोधपुर डिवीजन NWR की ट्रेनों को LHB रैक दिया जाएगा। उसी कड़ी में सबसे पहले लगभग एक महीने पहले सूर्य नगरी एक्सप्रेस को LHB रैक में कन्वर्ट किया गया था और एक महीने बाद एक और ट्रेन को LHB रैक मिलने जा रहा है। ये वही है जिस ट्रेन का पहले सूर्य नगरी से रैक शेयरिंग हुआ करता था और अब LHB मिलने के बाद फिर से दोनों ट्रेनों में रैक शेयरिंग होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी संख्या 22481 और 22482 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। इसकी जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से शेयर की है, आप ये देख सकते हैं। इस ट्रेन में भी पहले 20 कोचेज होते थे और LHB होने के बाद जैसे सूर्य नगरी में 22 डब्बे हो गए थे, इस ट्रेन में भी 22 डब्बे होंगे। इस ट्रेन का रैक कम्पोजिशन सूर्य नगरी के जैसा ही है, एक फर्स्ट AC, दो सेकेंड AC, चार थर्ड AC, दो थर्ड AC इकोनॉमी, 7 स्लीपर, 4 जनरल और 2 EOG समेत 22 डब्बों का LHB रैक होगा। लेकिन सूर्य नगरी सुपर फास्ट अभी 22 डब्बों की बजाय 23 डब्बों के LHB रैक से चल रही है। इसमें एडिशनली एक हाई कैपेसिटी पार्सल वैन लगाया जाता है जो कि पहले ICF रैक के टाइम पर भी लगाया जाता था। आप ये फोटो देखिए सूर्य नगरी एक्सप्रेस का, जिसमें लास्ट में HCPV कोच जोड़ा गया है। तो आप ये देखिए रेलवे का ऑफिशियल नोटिस जिसमें साफ लिखा गया है लास्ट में कि सूर्य नगरी और जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट का रैक शेयरिंग फिर से हो जाएगा। और मैं बता दूं कि जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट पहली बार LHB रैक से 10 तारीख को जोधपुर से रवाना होगी और दिल्ली सराय रोहिल्ला से पहली बार 11 तारीख को रवाना होगी। तो फर्स्ट LHB रन देखने के लिए रेडी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसके LHB होने से रेल फैन पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसएडवांटेज है कि आप ये देखिए खूबसूरत सा जो ट्रेन बोर्ड है इसको हटा लिया जाएगा और पुराना जो ICF रैक में इस्तेमाल किया जाता था रैक शेयरिंग ट्रेन बोर्ड उसको फिर से इस्तेमाल में लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सूर्य नगरी की झलक इसमें साफ नजर आ रही है, दो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं और ढलते हुए सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है तो और निखर कर आ रहा है यह ट्रेन बोर्ड। यह मेटल ट्रेन बोर्ड अब देखने को नहीं मिलेगा 10 तारीख से सूर्य नगरी में। तो अब मैं लास्ट में बात करता हूँ रणकपुर एक्सप्रेस और ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस की, जिनको कि LHB कोचेस अलॉटेड हैं। आप ये देखिए MCF और RCF की लिस्ट जिसमें जुलाई से सितंबर तक LHB कोचेस अलॉटमेंट्स किए गए हैं। इसमें सूर्य नगरी को अलॉटमेंट्स किए गए थे लेकिन जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट का नाम नहीं था। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि सूर्य नगरी को 80 कोचेज अलॉट हुए थे लेकिन उसके रैक 2 ही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि पहले इसका रैक शेयरिंग दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट से था तो उस ट्रेन को भी LHB रैक मिलना तय था, जो कि अब हो रहा है। 10 अक्टूबर से यह ट्रेन भी LHB से चलेगी। इसमें आप देख सकते हैं रणकपुर और ऋषिकेश बाड़मेर का नंबर भी मेंशन है, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि दिवाली तक या दिवाली से पहले इन दो ट्रेनों को भी LHB रैक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग ट्रेन वीडियोज को देखने के लिए। धन्यवाद।